इस समय हम मौजूद हैं पटना के गोलघर स्थित पार्क रोड स्थित माँ अखंड वासिनी जो मंदिर है वहाँ। और देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ भक्तों की जो है वह लंबी कतारें हैं। यहाँ जो भक्तों की आस्था है वह यह बता रही है कि उनकी आस्था इस मंदिर में कितनी है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ एक अखंड ज्योति जो है वह दिन रात जलते रहती है और कई सालों से वह अखंड ज्योति जो है वह जल रही है। और मान्यता के अनुसार कि यहाँ अब माँ का वास हो चुका है क्योंकि यह ज्योति जो है वह दिन रात प्रज्वलित हो रही है, इसलिए अब भक्त जो है अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ आते हैं और माँ से जो है लगातार बात करते हैं। आइए हम भक्तों से ही बात करते हैं। सर यहाँ किस लिए आए हैं? मैं तो माँ से मनोकामना पूर्ण करने के लिए आता हूँ। क्या आपकी मनोकामना है? जो था वो पूरा हो गया। घर आखिर इस मंदिर के प्रति इतनी आस्था क्यों? शुरू से आस्था है चूँकि 20 साल से करीब आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी था माँ सब पूरा कर दी है। माँ जो है सब पूरा कर दी है। आखिर इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? क्या कुछ है खासियत इस मंदिर की? मंदिर की खासियत है यहाँ जागता हुआ पीठ है। जागता हुआ पीठ है, जो भी भक्त आते हैं सारा मनोकामना उनका पूर्ण हो जाता है। क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार। देखिए शैलेंद्र कुमार हैं, आए हैं, इनकी मनोकामना पूरी हो गई है और अब माँ के दर्शन को आए हैं और इनका कहना है कि जो भी उन्होंने मनोकामना की थी वह पूरी हो गई है। और यहाँ देखिए जो लाइन है वह काफी लंबी है, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान जो लगातार लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो लोग हैं वह आए हुए हैं, भले ही बच्चों को जो है वह गोदी में लिए हुए हैं। और देखिए बच्चों के साथ इस मंदिर में आए, आस्था इतनी कि जो कहा नहीं जा सकता है, जिस पर अटल विश्वास है उस आस्था को लेकर जो लोग हैं वह यहाँ आए हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं यह माँ भगवती का जो है वह मंदिर है। और आइए अंदर ले चलते हैं अखंड वासिनी मंदिर के अंदर जहाँ ज्योति जल रही है दिन रात। और देखिए लोग जो है वह लगातार माँ के दर्शन को, देखिए यही वह जगह है जहाँ माँ की ज्योति जल रही है और लगातार देखिए श्रद्धालु जो है वह माँ भगवती के दर्शन को यहाँ आए हैं। और जो व्यवस्थापक हैं जो पंडित जी हैं वह दिन रात भक्तों की जो है वह मनोकामना पूरी करने के लिए जो है आए हैं और पूरी कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे पंडित जी से भी कि आखिरकार इस मंदिर का क्या रहस्य है और लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तब तक आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस मंदिर की, इस मंदिर पर लोगों की इतनी आस्था क्यों है, ये सारी चीजों को लेकर जो है हम पंडित जी से बात करेंगे। देखिए छोटी बच्ची है, यह भी अपनी मनोकामना को लेकर आई है कि माँ भगवती इसकी जो है वह दर्शन करें, माँ भगवती इनकी मनोकामना को पूरी करें। और हमारे साथ एक अम्मा है, हम बात करते हैं। आखिर माँ आपको इस मंदिर के बारे में क्या पता है, यहाँ आप आई हैं कितने सालों से लगातार आ रही हैं? बहुत साल से आ रहे हैं और पूर्ण विश्वास है, मतलब माँ के पास आने पर हम लोग साथ हल्दी अड़हुल माँ को अर्पित करते हैं मन में कुछ कामना लेते हुए, और आज तक सबको भरते हुए आई है, पूरा होता है मन की मनोकामना। कहाँ से आई हम? हम यहीं पे चीना कोठी से आए। चीना कोठी से आई है। आखिर इस मंदिर के बारे में मान्यता क्या है, इतनी भीड़ क्यों? बस इनका चमत्कार है, वैसे तो बाबा बहुत पहले से मंदिर यहाँ पे ये किए थे, लेकिन इनकी चमत्कार है, यहाँ से कोई भी आता है और हल्दी और अड़हुल का फूल चढ़ा के जाता है तो निश्चय ही कहीं ना कहीं उसके मन में दिमाग के कोने में रहता होगा कि मेरी मुराद पूरी होने जा रही है, माँ को अर्जी लगा दिए हैं मुराद पूरी होने जा रही है, ये विश्वास है। ये जो भीड़ देख रहे हैं बाहर में ये विश्वास है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो है अखंड ज्योति जलती है, आपको क्या मालूम है कितने दिनों से जो है यह अखंड ज्योति जल रही है? अखंड ज्योति बाबा का किया हुआ है और वो आज तक जली रही है। लोग का जब मनोकामना पूर्ण होता है या कोई ऐसे भी ले आके उस अखंड ज्योति में अपना घी या तिल का तेल जो भी है वो डालते रहता है। देखिए ये दिखा रहे हैं लोगों की जो आस्था है वह इस समय है सर चढ़ के बोल रही है, लोग जो है वह माँ भगवती की जो है के चरणों में अपने जो प्रसाद है वह चढ़ा रहे हैं, साथ ही अड़हुल का फूल और जो हल्दी की गांठ है वह अर्पित की जाती है माँ को।
और इस अखंड ज्योति मंदिर की खासियत यही है, जो भक्त बता रहे हैं कि आज तक इन्होंने जो यहाँ मांगा है मंदिर में वह लगातार पूर्ण होती है, और इसी के लिए जो है लगातार जो है लंबी कतारें जो है लोगों की सुबह से ही लगी हुई है। सुबह बता दें कि 3 बजे से इस मंदिर में माँ भगवती के दर्शन को लेकर लंबी लंबी जो कतारें हैं वह लगी होती हैं, और उसके बाद जो है माँ भगवती की कृपा से ही यहाँ जो दूर दूर से श्रद्धालु हैं वह आते हैं और जो है अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। पूर्ण होते ही यहाँ उनकी अटूट जो आस्था है, विश्वास है, वह जो है वह पूरा होता है। और देखिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से माँ भगवती को जो है वह प्रसाद जो है वह चढ़ाया जा रहा है। श्रद्धालु जो है अपनी झोली फैलाकर माँ भगवती से विनती कर रहे हैं, हे माँ हमारी मनोकामना को पूरी करो, हम हर बार आएंगे और आपके पास ही आएंगे, और जिस तरह से आपने अपने भक्तों के ऊपर जो विश्वास बनाए रखा है उसे टूटने मत देना। और इन्हीं सब विषयों पर जो है हम बाबा से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर देखिए यही वो अखंड ज्योति है जहाँ जो श्रद्धालु है आते हैं दर्शन को, और जो यहाँ श्रद्धालु हैं वह आते हैं और लगातार अपने तरफ से इस ज्योति को के लिए जो है घी, तिल का तेल, दिया, बाती सब लेके आते हैं और लगातार जो है वह इसमें डालते हैं। हमारे साथ बाबा हैं, आइए बात करते हैं। बाबा एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो यह मंदिर में अखंड ज्योति है वह कब से जल रही है, और इस मंदिर का क्या महत्व है, कब से इस मंदिर में लोगों का आने का सिलसिला जारी है? ये सन 1914 से 2 अखंड दीप निरंतर प्रज्वलित है, एक घी का एक सरसों तेल का, और 1914 से आज तक निरंतर अखंड दीप प्रज्वलित है। नवरात्र में आप देखे होंगे कि और भी अखंड दीप अंदर प्रज्वलित है, जो भक्तों का है जिनका मनोकामना है उनके लिए वो अलग से 9 दिन के लिए जलता है, और ऊपर जो अखंड दीप देखो जिसमें छत्र लगा है वो 2 अखंड दीप है, एक घी का एक सरसों तेल का, लोग अपनी मनोकामना को लेके उसमें घी और तेल डालते हैं पूरे वर्ष। ये अखंड 1914 से जो बता रहे हैं कि जल रही है, तो आखिर ये कैसे आया यहाँ, उसका पीछे का इतिहास क्या है हमारे दर्शकों को? ये हमारे दादाजी डॉक्टर स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी माँ कामाख्या के स्थान से ला के, और अभी तीसरा पीढ़ी हम लोग इस माँ के सेवा में और अखंड की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कहते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? भक्त अपनी मनोकामना को लेकर श्रद्धा से आते हैं और माँ के पास विशेष यहाँ हल्दी चढ़ता है, 7 खड़ा हल्दी, 9 उड़हुल का लाल फूल, 1 सिंदूर का पुड़िया। पूरे वर्ष प्रत्येक मंगलवार को 7 खड़ा हल्दी, 9 उड़हुल का फूल, 1 सिंदूर का पुड़िया भक्त अपनी मनोकामना को लेकर माँ के पास चढ़ाते हैं। नवरात्र में 9 दिन चढ़ाते हैं, माँ उनके मनोकामना को पूर्ण करती है। बाबा एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ जो भीड़ उमड़ती है उसको आप लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं 3 बजे से कंटिन्यू जो है वह लगातार भक्तों का जो है वह तांता लगा हुआ है, माँ के दर्शन को आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? आज आप देखेंगे ये कल 3 बजे से ही लाइन लगा हुआ है और ये 9वीं तक 10वीं तक ये चलेगा, ये जो पंक्ति है ये ख़त्म नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, 10वीं तक रहेगा। रात में 10 से 11 बजे तक माँ का दर्शन होता है, उसके बाद फिर पट बंद होता है, फिर सुबह 3 बजे से माँ का पट खुलता है और भक्त का दर्शन शुरू हो जाता है। उसके लिए हमारे मंदिर कमेटी के वॉलेंटियर लगे हुए हैं, जिला प्रशासन है, ट्रैफिक के लोग हैं, सबका सहयोग से ही इतना बड़ा जो है कि दुर्गा पूजा का भीड़ जो है हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। भक्त के लिए बाहर देखें वाटरप्रूफ टेंट का व्यवस्था है, कूलर है, पानी है, सब का व्यवस्था किया गया है कि जो लोग लाइन में या पंक्ति में खड़े हैं 2-2, 6-6 घंटा से रहते हैं तो उनके लिए भी पानी का, शरबत का व्यवस्था किया गया है। क्या नाम हुआ? विशाल तिवारी। आपने साफ सुना कि हमारे साथ जो इस मंदिर के महंत हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि यह जो अखंड ज्योति है वह काफ़ी सालों से जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, और यहाँ जो भक्तगण हैं वह आते हैं, जैसे ही उनकी मनोकामना पूरी होती है इस अखंड ज्योति में जो है वह आके अपना जो
दीप है वो प्रज्वलित करते हैं। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं यह नारियल की है। कहा जाता है कि बलि के रूप में इस नारियल की बलि दी जाती है और श्रद्धालु जो प्रसाद होता है यहाँ लाते हैं, यहाँ नारियल को जो है वह फोड़ते हैं, उनकी बलि दी जाती है और शेष आधा नारियल जो है वह लेके वापस चले जाते हैं ताकि उनकी मनोकामना जैसे ही पूरी होती है वह जैसे ही पूरी होती है उसी तरह से ये नारियल की बलि चढ़ती है और लगातार जो है श्रद्धालु है वह लगातार यहाँ आ रहे हैं। और हम तस्वीरें आपको बाहर की भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो है बाहर देखिए लोगों का रेला लगा हुआ है, लोगों की लंबी कतार है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिर वह यहाँ किन मनोकामनाओं को लेकर आ रहे हैं और क्या कुछ है जो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप यहाँ आई हैं क्या मनोकामना है। मनोकामना कुछ नहीं है, सारा माता रानी दे चुकी हैं, उसके लिए माता रानी को धन्यवाद करती हूँ। देखिए माता रानी को जो है वह धन्यवाद करने आई हैं कि उनकी मनोकामना कुछ भी नहीं है और लंबी यह कतार है। हम लंबी लाइन आपको दिखा रहे हैं कि क्या छोटे क्या बड़े क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी के सभी लोग जो है वह इस मंदिर को माँ के दर्शन को आए। हमारे साथ भाई साहब आप यहाँ आए, क्या है आपका मनोकामना, क्या किस लिए यहाँ आए हैं? बस मनोकामना यही है जो माता ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इस प्रदेश को हम सबों को खुशहाल रखे, और क्या मनोकामना। बस कितने बजे से लाइन में लगे? अभी यहाँ तो लगभग एक डेढ़ घंटा हो गया है। यहाँ पता चला है कि यहाँ काफी लंबी लाइन लगती है और काफी जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में आते हैं। आपको इस मंदिर के बारे में क्या मालूम? मैं यहाँ पे करीब 20-25 साल से आता हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। और ये मंदिर है, यहाँ पे सच्ची आस्था है, जो आप देवी का दर्शन करेंगे तो उनसे आप जब एक बार उनको देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होता है जो वो आपसे बात कर रही है। और इनका अगर कृपा पड़ गया तो इस दुनिया में फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। बस आपके मन में बिल्कुल श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए और ये लंबी लाइनें खुद बताने को काफ़ी हैं कि जो माँ के प्रति भक्तों की जो आस्था है वह कितनी लंबी है। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है वह भी लाइन में लगे हुए हैं और माँ के दर्शन को जो है वह लगातार इस लाइन के थ्रू जो है आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए बच्चे जो है वह पढ़ते भी हैं और पढ़ने वाले बच्चों से ही बात करते हैं। आखिर आप माँ के दर्शन को आई हैं, क्या आप मांगने आई हैं? कि मेरा नीट निकल जाए, ऑब्वियसली नीट निकल जाए मेरा, हमारा इसीलिए दर्शन करने आए। कितने देर से खड़ी है? एक घंटा, अराउंड 1 आवर। क्या नाम हुआ? शीतल। आपका नाम? स्नेहा। क्या मांगने आया आपकी माँ? कि करियर अच्छा बन जाए, डॉक्टर बन जाए। देखिए लगातार जो है वो बच्चों का कहना है कि माँ से अपनी मनोकामना है वह पूरी करने आए हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी भी जो है आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि हमारा नीट निकल जाए और हम डॉक्टर अपने लाइफ में कैरियर में बन जाएं और उसके बाद जो है हम आगे अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस करें। इसी मान्यता को इसी श्रद्धा को लेकर जो है लगातार जो है श्रद्धालु चाहे बच्चे हों बूढ़े हों जवान हों पढ़ने वाले हों लगातार इस मंदिर की ओर आ रहे हैं। और जो यह मंदिर है वह अखंड वाशिनी मंदिर है, यहाँ अखंड ज्योति जलती है और माँ के दर्शन और अखंड ज्योति के दर्शन करने को श्रद्धालु लगातार जो है वह सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। कैमरामैन हीरा के साथ महिप्राज, न्यूज 22 स्कोप पटना।